Hello everyone, welcome to Axiomatic Class. This is lecture number 5.10. In this lecture we will do factorization of polynomials. तो इस लेक्चर में जो चीज़ें भी डरवाई जाएगी वो आपको अच्छे से आनी चाहिए. इसी लेक्चर से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल को आप फर्दर फैक्टराइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. इसके लिए हमने दो टर्म्स डिफाइन की है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एंड रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल. इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का मतलब यही है कि आप उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, एंड रिड्यूसिबल का मतलब यही है कि आप उसको फर्दर फैक्टराइज कर पा रहे. ओके, तो देखते हैं डेफिनेशन कि लेट्स से आर कोई इंटीग्रल डोमेन ली. इरेड्यूसिबिलिटी एंड रिड्यूसिबिलिटी की बात हम तभी कर रहे हैं जब आर एक इंटीग्रल डोमेन है. इस चीज़ को अभी एनालाइज करेंगे कि आर तो इंटीग्रल डोमेन क्यों लिया रहे हैं. ओके, तो नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल को इरिड्यूसिबल ओवर आर कब कहा जाएगा, इरिड्यूसिबल ओवर आर लिखा है. ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको कि एक पॉलिनोमियल हो सकता है कि इरिड्यूसिबल ओवर आर वन हो बट इरिड्यूसिबल, सेम पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल ओवर आर वन हो बट इरिड्यूसिबल ओवर आर टू हो. ओके, तो नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल को इरिड्यूसिबल ओवर आर कब कहा जाएगा, जब क्या हो, एफ एक्स को अगर आप प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख पा रहे हो, जी एक्स एंड एच एक्स. अगर मान लिया कि एफ एक्स को आप जी एक्स इंटू एच एक्स लिख पा रहे हो, जी एक्स और एच एक्स दो पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स से, तो क्या होना चाहिए, जब भी आप एफ एक्स को जी एक्स इंटू एच एक्स लिख रहे हो तो इनमें से कोई एक यूनिट पॉलिनोमियल होना चाहिए, या तो जी एक्स यूनिट पॉलिनोमियल हो या फिर एच एक्स यूनिट पॉलिनोमियल हो. मतलब यही है कि एफ एक्स को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, कि अगर जब भी आप इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख रहे हो तो इनमें से एक क्या होना चाहिए, यूनिट पॉलिनोमियल होना चाहिए. ओके, अब अगर देखें फैक्टराइज करने का क्या मतलब है, कि हम क्या कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल की डिग्री को रिड्यूस करते जा रहे हैं. एक पॉलिनोमियल की डिग्री लेट्स से एन है, फैक्टराइज का क्या मतलब है कि आप उसको प्रोडक्ट ऑफ लोअर डिग्रीज लिख रहे हो. ओके, तो लेट्स से अगर आर हम इंटीग्रल डोमेन नहीं लेते, तो आपको ये चीज़ पता है कि अगर आर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो और जी एक्स और एच एक्स की पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो एफ एक्स से बड़ी हो. क्योंकि अगर आर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो आपको पता है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ एच एक्स नहीं होता इस केस में. तो ऐसा हो सकता है कि जी एक्स की डिग्री बड़ी हो एफ एक्स की डिग्री से, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे फैक्टराइज का मतलब कोई मीनिंग बना नहीं, इस वजह से हम क्या ले रहे हैं, आर को एक इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं. ओके, देन सेम वे में हमने रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल डिफाइन किया है. एक नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल तो रिड्यूसिबल ओवर आर कब कहा जाएगा, जब वो इरिड्यूसिबल ओवर आर ना हो. ओके, तो नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या किया है, इरिड्यूसिबिलिटी एंड रिड्यूसिबिलिटी डिफाइन की है. इरिड्यूसिबिलिटी का मतलब यही है कि अगर आप उसको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख रहे हो तो उनमें से एक यूनिट पॉलिनोमियल होना चाहिए. देन रिड्यूसिबिलिटी का मतलब यही है कि जो पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है उनको हम क्या कह रहे हैं, रिड्यूसिबल ओवर आर कह रहे हैं. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स से आर आपने एक इंटीग्रल डोमेन ली है और एक पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स फ्रॉम आर एक्स, ये क्या है, यूनिट पॉलिनोमियल है. तो आपको प्रूफ करना है कि इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, जीरो होगी. कि अगर आप एक आर एक इंटीग्रल डोमेन ले रहे हो तो आर एक्स भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा. इस इंटीग्रल डोमेन से अगर आप एक पॉलिनोमियल ले रहे हो जो कि यूनिट पॉलिनोमियल है, तो हमेशा उसकी डिग्री क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है. ये चीज़ हमें देखनी है. ओके, तो इसको देखते हैं. सबसे पहले आर एक इंटीग्रल डोमेन है, इट मीन्स दैट इसके पास यूनिटी एलिमेंट है. तो लेट से वन जो है वो इसका यूनिटी एलिमेंट है. लेट वन इज द यूनिटी ऑफ आर. अब जब आपने पॉलिनोमियल रिंग्स पढ़ा था तब हमने देखा था कि अगर आर की यूनिटी एलिमेंट ए है तो एफ एक्स का यूनिटी एलिमेंट कौन सा होता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ए. तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जी एक्स इक्वल टू वन, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल वन क्या होगा, यूनिटी एलिमेंट होगा रिंग आर एक्स का.
अब आपको गिवन क्या है कि एफ एक्स क्या है, कि यूनिट पॉलिनोमियल है, और प्रूफ हमें क्या करना है कि एफ एक्स की डिग्री क्या है, जीरो होती है. एफ एक्स इज अ यूनिट पॉलिनोमियल. ये यूनिट एलिमेंट है, इट मीन्स दैट क्या होगा, आपके पास एक एलिमेंट मिलेगा आर एक्स का सच दैट एफ एक्स डॉट एच एक्स इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर एक्स विच इज वन. तो यहां से हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एच एक्स फ्रॉम आर एक्स सच दैट एफ एक्स डॉट एच एक्स इज इक्वल टू यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर एक्स विच इज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल वन. ओके, अब यहाँ से क्लियर है कि एफ एक्स और एच एक्स क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल है. अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल है तो हम डिग्री की बात कर सकते हैं. ओके, आर एक इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन में आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, सम ऑफ डिग्रीज. आपको क्या करना है, सम करना है डिग्रीज का दोनों पॉलिनोमियल्स का. तो ये क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ एफ एक्स डॉट एच एक्स क्या होगी, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ एच एक्स, और ये किसके बराबर है, डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल वन. इसकी डिग्री क्या है, जीरो. तो इट मीन्स दैट ये जीरो आया. डिग्री हमेशा क्या होती है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है. तो ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दोनों का सम जीरो है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या होंगी, दोनों के दोनों जो ये इंटीजर्स हैं उनको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा. तो इट मीन्स दैट हमारे पास क्या आया कि डिग्री ऑफ एफ एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. तो एक यूनिट पॉलिनोमियल का जो इंटीग्रल डोमेन में, एक इंटीग्रल डोमेन में यूनिट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होने वाली है, जीरो. अब हमें चेक करना है, एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल विन जेड एक्स से, पॉलिनोमियल क्या है, टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर. इस पॉलिनोमियल के बारे में चेक करना है कि ये इरिड्यूसिबल ओवर जेड है या फिर रिड्यूसिबल ओवर जेड है. ओके, तो एफ एक्स क्या है, टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर. अब आपको पता है कि ये इरिड्यूसिबल तभी होगा जब भी आप इस पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख रहे हो, तो उनमें से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, यूनिट पॉलिनोमियल होना चाहिए. तो टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर है, लेट्स से मैंने इसको लिखा टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, टू. ओके, इसको हम लिख रहे हैं टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू. अब आपको चेक करते हैं, अगर ये इरिड्यूसिबल होता तो इट मीन्स दैट ये भी यूनिट पॉलिनोमियल आना चाहिए था, इनमें से एक क्या आना चाहिए था, यूनिट पॉलिनोमियल आना चाहिए था. बट अभी हम प्रूफ करेंगे कि ना तो ये यूनिट पॉलिनोमियल है और ना ही एक्स स्क्वेयर प्लस टू यूनिट पॉलिनोमियल है. ओके, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस टू जो है इज नॉट अ यूनिट पॉलिनोमियल. इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा था कि जेड, हमें पता है जेड जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन है, इट मीन्स दैट कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स आप लोडे जेड एक्स से, तो वो यूनिट पॉलिनोमियल अगर है तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. बट इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, टू है. इट मीन्स दैट ये यूनिट पॉलिनोमियल नहीं है. सो इट इज नॉट अ यूनिट पॉलिनोमियल. और टू के बारे में देखना है, डिग्री इसकी जीरो है, बट आपको देखना है क्या ये यूनिट पॉलिनोमियल है. अगर ये यूनिट पॉलिनोमियल होता तो इट मीन्स दैट आपको क्या मिलता, इट पॉलिनोमियल मिलता जी एक्स फ्रॉम जेड एक्स सच दैट टू इंटू जी एक्स इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ जेड एक्स. जेड एक्स की यूनिटी एलिमेंट क्या है, वन है. तो आपके पास ये क्या आता, वन आता. अभी अभी आपने देखा था कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी जीरो होनी चाहिए, इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. इट मीन्स दैट क्या होना चाहिए, जी एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए सी. सी क्या है, एक इंटीजर है, टू सी इज इक्वल टू वन. आपको पता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट टू सी इज इक्वल टू वन. तो इट मीन्स दैट टू जो है वो यूनिट पॉलिनोमियल नहीं है जेड एक्स का. Also, 2 is not a unit polynomial. Polynomial of ZX. Reason kya hai? Since there does not exist AX
from ZX such that 2 into AX is the unity element of ZX which is 1. और इसके बारे में इसका रीजन क्या जा सकते हो हम, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो क्या है, 2 है और जो कि 0 से बड़ी है. अगर ये यूनिट पॉलिनोमियल होता तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, सफिशियंट नहीं है. और तो अब हमें क्या मिल रहे हैं, दो ऐसे पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं जी एच एंड एच एच सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एच इन टू एच एच. नीदर जी एच इज अ यूनिट पॉलिनोमियल नॉर एच एच इज अ यूनिट पॉलिनोमियल. इट मीन्स दैट एफ एक्स जो है वो क्या होगा, रेड्यूसिबल होगा ओवर सेट. क्योंकि ई रेड्यूसिबल होता तो जब भी आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो, जब भी आप इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख रहे हो, तो इनमें से एक यूनिट होना चाहिए था. बट यहाँ पे एक भी यूनिट पॉलिनोमियल नहीं है. सो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज रेड्यूसिबल ओवर जेड. ओके, अब कुछ थियरम्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. थियरम वन क्या है कि लेट से एफ एक्स फील्ड है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल लिया पॉलिनोमियल रिंग एफ एक्स से. इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमने क्या ली है, या तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है या फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है. तो बोला गया है कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ. यहाँ पे रेड्यूसिबल आएगा. एफ एक्स इज रेड्यूसिबल ओवर एफ इफ एंड ओनली एफ एक्स हैज अ जीरो इन एफ. अगर एफ एक्स रेड्यूसिबल है ओवर एफ तो एफ एक्स का एक जीरो आपको मिलेगा एफ में, और अगर एफ एक्स का जीरो मिल रहा है एफ में तो एफ एक्स क्या होगा, रेड्यूसिबल होगा ओवर एफ. फॉर एग्जाम्पल लेट से हमने क्या लिया, जो फील्ड हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, और एक पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स. पॉलिनोमियल क्या है, लेट से हम कौन सा पॉलिनोमियल ले रहे हैं, जो पहले लिया था 2x² + 4. ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल रिंग 2x से, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी हम देख पा रहे हैं कि कितनी है, 2 है. तो जो ऊपर ये कंडीशंस लिखी है वो सारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. तो बोला गया है कि ये पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल होगा ओवर q इफ एंड ओनली इफ f हैज अ जीरो इन q. तो हमें देखना है कि ये रेड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है ओवर q. तो इट मीन्स दैट अगर मैं ये चीज़ चेक कर लूँ कि इसके पास जीरो है या नहीं, तो हमारा काम हो जाएगा. तो अब आप देख सकते हो कि क्या एफ एक्स के पास कोई जीरो है क्यू में. अगर हम एफ एक्स इक्वल टू जीरो करें तो इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, इसके दोनों सॉल्यूशंस जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं. कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी ऐसी एच टी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसके लिए एफ एक्स क्या आए, कोई भी ऐसी एच टी वैल्यू क्यू में एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसके लिए एफ एक्स क्या आए, जीरो आए. इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं एफ हैज नो जीरो इन क्यू, सिंस एफ हैज नो जीरो इन क्यू. इट मीन्स दैट बाय अबव थ्योरम, बाय थ्योरम वन, ये पॉलिनोमियल क्या होगा, रेड्यूसिबल होगा ओवर, सॉरी अगर जीरो नहीं है इट मीन्स दैट क्या होगा, ये चीज़ नहीं हो रही, तो इट मीन्स दैट ये चीज़ भी नहीं हो रही, तो एफ एक्स क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा ओवर क्यू. ओके, अभी अभी आपने सेम पॉलिनोमियल जेड एक्स में लिया था 2x² + 4 जेड एक्स में, वो पॉलिनोमियल वहां पे क्या आ रहा था, रेड्यूसिबल आ रहा था ओवर जेड. और अभी हम देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या है, इरेड्यूसिबल है ओवर क्यू. तो एक पॉलिनोमियल आपके पास ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो रेड्यूसिबल ओवर जेड है, बट क्या है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू. तो हम अब इसी के लिए क्या कह सकते हैं कि अगर लेट से एफ यहाँ पे फील्ड देना कंपलसरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर एफ अगर फील्ड नहीं लें तो ज़रूरी नहीं है कि ये थ्योरम ट्रू हो. और एग्जाम्पल आप क्या दोगे, सबसे पहले हम लिख सकते हैं इफ एफ इज नॉट फील्ड, दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू. और आप एग्जाम्पल क्या देने वाले हो, यही देने वाले हो कि एफ एक्स मैंने एक पॉलिनोमियल लिया कहाँ से,
क्या पॉलिनोमियल है, 2x² + 4zx से। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, f क्या ले रहे हैं, रिंग जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, z ले रहे हैं। z क्योंकि एक फील्ड नहीं है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, बट ये वाली चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट मीन्स दैट ज़रूरी नहीं है कि ये थ्योरम ट्रू हो। और आपको पता भी है कि ये थ्योरम ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि क्या हो रहा है, fx के पास कोई भी जीरो नहीं है z में, सिंस f हैज नो जीरो इन z। बट आपको क्या पता है कि इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्या है, रिड्यूसिबल है ओवर z, तो रिड्यूसिबल आ रहा है। स्टिल इसके पास कोई भी जीरो नहीं है z में, क्योंकि हमने क्या लिया है, जो रिंग आप ले रहे हो वो z ले रहे हो और वो एक फील्ड नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट्स से fx एक पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल रिंग zx से। अब अगर ये zx से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली ये qx से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि z का हर एक एलिमेंट q में जाता है। ओके, तो बोला गया है fx इज रेड्यूसिबल ओवर q इम्प्लाइज fx इज रेड्यूसिबल ओवर z। ओके, कि अगर कोई पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल ओवर q है तो वो रेड्यूसिबल ओवर z भी होगा। अभी अभी आपने देखा था कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि अगर कोई पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल ओवर z है तो रेड्यूसिबल ओवर q होगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, 2x² + 4, ये पॉलिनोमियल जो था वो रेड्यूसिबल ओवर z था बट ई रेड्यूसिबल ओवर q था। तो इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है वो क्या है, ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देन हम कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर सकते हैं। हर एक स्टेटमेंट की कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है वो आपको पता है कि ट्रू होती है। कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, 1 implies 2, तो कंट्रा पॉजिटिव क्या आएगी, नॉट 2 implies not 1, तो नेगेशन ऑफ 2 क्या होगा, fx इज इरिड्यूसिबल ओवर z। Over z implies fx is irreducible over q. तो अगर कोई पॉलिनोमियल irreducible over z है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो पॉलिनोमियल irreducible over q भी होगा। ओके, अब थ्योरम 3 पे आते हैं। थ्योरम 3 का नेम क्या है, मोड बी इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। क्या स्टेटमेंट है, लेट्स से p हमने एक प्राइम नंबर लिया, fx एक पॉलिनोमियल लिया पॉलिनोमियल रिंग zx से, इस पॉलिनोमियल की इरिड्यूसिबिलिटी ओवर q देखी जा रही है कि ये इरिड्यूसिबल ओवर q है या नहीं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो क्या ले रहे हैं, हम 1 या 1 से बड़ी ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से, fx की हेल्प से एक अनदर पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया f(x). ये पॉलिनोमियल कैसे किया जा रहा है कंस्ट्रक्ट, आप क्या कर रहे हो, fx के जो भी कोफिशियंट्स है इस पॉलिनोमियल में, जो भी कोफिशियंट्स आ रहे हैं उन कोफिशियंट्स को हम क्या कर दे रहे हैं, मॉड्यूलो p अप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, लेट्स से अगर आपके पास 3x² + 1 इस तरह से है, अगर प्राइम हमने 2 लिया तो सभी पॉलिनोमियल्स को आप क्या कर दोगे, मॉड्यूलो p कर दोगे, तो 3 mod 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x², 1 mod 2 क्या होते हैं, 1 ही होते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। ओके, तो जब हम ऐसा करेंगे तो इट मीन्स दैट ये पॉलिनोमियल आपके पास कहाँ मिलेगा, पॉलिनोमियल रेंज जेड पी एच से मिलेगा। ओके, तो बोला गया है कि इफ f(x) इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड पी, अगर ये पॉलिनोमियल जो आपको मिला है अनदर पॉलिनोमियल f(x), ये इरेड्यूसिबल ओवर जेड पी है और इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री fx की और f(x) की डिग्री क्या है अगर सेम हो, तो fx क्या होगा, इरेड्यूसिबल ओवर q भी होगा। ओके, तो इसको आप यूज कैसे कर सकते हो, सबसे पहले p हमने एक प्राइम लिया है, p अगर प्राइम है तो आपको ये पता है कि zp फील्ड होती है। अब zp अगर फील्ड आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, थ्योरम 1 पे जा सकते हो। मान लिया कि इस पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या आ रही है, f(x) एंड fx की डिग्री अगर 2 और 3 आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, थ्योरम 1 अप्लाई कर सकते हो। zp में हम देख सकते हैं किसी पॉलिनोमियल की
जीरो है, उस पॉलिनोमियल की जीरो आ रही है या नहीं आ रही। अगर जीरो नहीं हुई तो इट मीन्स सेट क्या आ जाएगा, इरिड्यूसिबल आ जाएगा। और अगर इरिड्यूसिबल आया इट मीन्स दैट इस थ्योरम को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एफ इरिड्यूसिबल ओवर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं आप। एग्जांपल क्या है कि लेट्स से पॉलिनोमियल क्या लिया, 21x³ - 3x² + 2x + 9 z। ओके, अब लेट्स से हमने एक प्राइम लिया p जो कि क्या है 2 है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि हम कौन सा प्राइम लें जिसके लिए आप इस थ्योरम को अप्लाई कर पाए। लेट्स से मैंने यहाँ पे प्राइम जो लिया है वो क्या लिया है, 2 लिया है। आपको बार बार चेक करते देखना पड़ेगा कि 2 के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, 3 के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। यूजुअली हम 2, 3, 5 इन्हीं के लिए बस देखेंगे। ओके, तो लेट्स से पी जब आपने 2 लिया, अब यहाँ से एक अनदर पॉलिनोमियल आएगा एफ बार एच जो कि कहाँ बिलोंग करेगा, जेड पी एच। और इस पॉलिनोमियल में आप क्या करते हो, एफ एच के जितने भी कोफिशियंट्स हैं उनको हम मॉड्यूलो पी अप्लाई करते हैं। मॉड्यूलो पी मीन्स मॉड्यूलो 2। तो 21 mod 2 क्या होगा, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1, तो ये आया 1x³। देन 20 -3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1x². ओके, देन 2 को अगर mod 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इट मीन्स दैट एक्स्ट्रा कोफिशियंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। 9 mod 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ओके, डिग्री जिस स्ट्रेस में सेम नहीं आएगी, जिस स्ट्रेस में क्या हो, मान लिया कि ये कोफिशियंट आपके पास यहाँ पे क्या होता, 20 होता, तो 20x³ होता, मॉड्यूलो 2 करते तो आपके पास डिग्री क्या आ जाती, 0 आ जाती। ओके, तो यहाँ से क्लियर है कि हम मोड पी इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते जब आप पी को क्या ले रहे हो, 3 ले रहे हो। क्योंकि जब पी को हम 3 लेंगे तो दोनों की डिग्री सेम नहीं रहेगी, हमें क्या चाहिए कि दोनों की डिग्री सेम रहे। ओके, तो मैंने पी क्या लिया, यहाँ पे 2 लिया है, आपके पास पॉलिनोमियल आया एफ बार एक्स जो कि क्या है, x³ + x² + 0x + 1। इस पॉलिनोमियल के बारे में अब आपको चेक करना है कि ये इरिड्यूसिबल ओवर z2 है या नहीं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, आप बाय थ्योरम 1 ये कह सकते हैं, सिंस z2 जो है वो एक फील्ड है और ये जो पॉलिनोमियल है एफ बार एक्स, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो हम थ्योरम 1 का अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम 1 क्या कहती है कि दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर z2 इफ एंड ओनली इफ दिस पॉलिनोमियल हैज अ 0 इन z2। तो आपको देखना है इस पॉलिनोमियल का कोई 0 है या नहीं z2 में। इट मीन्स दैट क्या कोई z2 का एलिमेंट मिल रहा है जिसके लिए f बार a क्या आ जाए, 0 आए। z2 में आप इजिली चेक कर सकते हो 0 है या नहीं, क्योंकि z2 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, 0 और 1, इनके लिए आपको चेक करना है। अगर मैंने f बार 0 देखा तो f बार 0 कितना आ रहा है, 0 0 0 1, तो f बार 0 1 आ रहा है जो कि 0 नहीं है। इट मीन्स दैट 0 जो है वो 0 नहीं है f के, 0 इज नॉट द 0 ऑफ f बार। सिमिलरली f बार 1 देखेंगे, f बार 1 कितना आ रहा है, 1 + 1 + 1 3 3 mod 2, 3 mod 2 इज 1, ये भी क्या है, 0 नहीं है। इट मीन्स दैट 1 भी क्या है, 0 नहीं है f बार के। तो इस पॉलिनोमियल के पास कोई भी 0 नहीं है, f बार हैज नो 0 इन z2। इट मीन्स दैट हम थ्योरम 1 से क्या कह सकते हैं, थ्योरम 1 इम्प्लाइज कि ये पॉलिनोमियल क्या होने वाला है, इरिड्यूसिबल ओवर z2 होने वाला है। सो दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर z2। देन आप क्या कर सकते हो, मोड पी इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हो। ये पॉलिनोमियल क्या आया, इरिड्यूसिबल ओवर z2 आया। इस पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है इस पॉलिनोमियल की डिग्री के, डिग्री ऑफ एफ बार एक्स जो आ रही है वो इक्वल आ रही है डिग्री ऑफ एफ एक्स के, और ये पॉलिनोमियल एफ बार एक्स इरिड्यूसिबल ओवर z2 आ रहा है। इट मीन्स दैट बाय थ्योरम 3 क्या हो जाएगा,
एफ एक्स जो है वो क्या होगा, ई रिड्यूसिबल ओवर क्यू होगा। तो हमारे पास पता चला हमें कि ये पॉलिनोमियल जो है वो ई रिड्यूसिबल ओवर क्यू था। डायरेक्टली ये चेक करना इजी नहीं था कि ये पॉलिनोमियल ई रिड्यूसिबल ओवर क्यू है या नहीं। आपको क्या देखना था, थ्योरम वन के हिसाब से हमें क्या देखना था कि इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है या नहीं क्यू में। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जा सकती कि इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है या नहीं क्यू में। आप क्या कर सकते हो, ग्राफ का यूज़ कर सकते हो, डेरिवेटिव्स का यूज़ कर सकते हो इस ये बताने के लिए कि इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो आर में है या नहीं। बट क्यू में बताने के लिए, क्यू में बताना है कि इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो क्यू में है या नहीं, तो ये चीज़ क्या है, डिफिकल्ट है। हर एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री थ्री ओड होती है उसका क्या होता है, एक जीरो मिलता है आपको, एक रियल सॉल्यूशन मिलता है। तो इट मीन्स दैट इसका एक रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, इट रियल नंबर एक्स ए एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एफ ऑफ ए इज जीरो। तो इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या है, रिड्यूसिबल ओवर क्यू है, आर है। सिंस एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस डिग्री ऑफ एफ एक्स इज थ्री दैट इज ओड, तो इट मीन्स दैट इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक रियल होगा, रूट होगा। सो एफ एक्स हैज अ रियल रूट और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, थ्री है, टू या थ्री हो, और आर हम क्या ले रहे हैं, फील्ड ले रहे हैं। इट मीन्स दैट बाई थियरम वन क्या आ जाएगी, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल ओवर आर हो जाएगा। तो ये रिड्यूसिबल ओवर आर है बट ई रिड्यूसिबल ओवर क्यू है। ओके, देन हम इस थ्योरम के कन्वर्स पे जा रहे हैं कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कि मान लिया कि पी एक प्राइम है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल लिया जेड एक्स से, एफ एक्स की डिग्री वन या वन से बड़ी है, एफ बार एक्स आपने एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया जेड बी एक्स में, जैसे एफ एक्स के सारे कोफिशिएंट को क्या कर दिया, मॉड्यूलो पी अप्लाई कर दिया। तो अगर मान लिया कि एफ एक्स बार रिड्यूसिबल ओवर जेड पी आए, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगा, और इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री मान लिया सेम हो, एफ एक्स रिड्यूसिबल ओवर जेड पी आ रहा है, एफ बार एक्स और एफ एक्स की डिग्री मान लिया कि सेम है, तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि एफ एक्स क्या होगा, रिड्यूसिबल ओवर क्यू होगा। ओके, कन्वर्स क्या है कि अगर मान लिया कि एफ एक्स ई रिड्यूसिबल ओवर क्यू हो और एफ एक्स और एफ बार एक्स की डिग्री सेम है, तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि एफ बार एक्स क्या होगा, रिड्यूस ई रिड्यूसिबल ओवर जेड पी होगा। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। लेट्स से एग्जाम्पल क्या लिया, पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं एफ एक्स ट्वेंटी वन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस एट। ओके, अब लेट से हम प्राइम कौन सा लेते हैं, पी हमने एक प्राइम लिया जो कि क्या है, टू है। तो यहाँ से एक पॉलिनोमियल आया एफ बार एक्स और ये क्या बनेगा, मॉड्यूलो पी करेंगे तो ये एक्स क्यूब हुआ, वन एक्स क्यूब हुआ, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर किया तो ये आपके पास क्या आया, प्लस वन एक्स स्क्वेयर आया। टू किया तो ये जीरो एक्स आ जाएगा, एट मोड टू किया तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या देख पा रहे हैं, डिग्री ऑफ एफ बार एक्स जो है वो क्या है, इक्वल है डिग्री ऑफ एफ एक्स के। ओके, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, दोनों की डिग्री कितनी आ रही है, थ्री आ रही है। देन आपको देखना है ये पॉलिनोमियल क्या है, रिड्यूसिबल ओवर क्यू जेड टू है या फिर ए रिड्यूसिबल ओवर जेड टू है। तो आप देख सकते हो एफ बार जीरो अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इट मीन्स दैट जीरो जो है वो जीरो है, जीरो इज द जीरो ऑफ एफ बार। तो इस पॉलिनोमियल की आपको एक जीरो मिल रही है, एफ बार हैज अ जीरो इन जेड टू। सो एफ बार हैज अ जीरो इन जेड टू, जेड टू एक फील्ड है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री है। तो थ्योरम वन क्या इंप्लाई करेगी कि ये पॉलिनोमियल क्या है, रिड्यूसिबल है ओवर जेड टू। तो ये पॉलिनोमियल जो आ रहा है वो रिड्यूसिबल आ रहा है ओवर जेड टू। अब आपको चेक करना है कि ये रिड्यूसिबल ओवर क्यू है या नहीं। ओके, हम चेक कर रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल ओवर
ट्रू है या नहीं, तो इस पर चेक करते हैं। लेट्स से अब हमने क्या लिया, एक अनदर प्राइम लिया पी, जो कि क्या है 5 ले रहे हैं। यहाँ से भी आपके पास एक पॉलिनोमियल आया एफ बार एक्स, जब क्या कर रहे हो कोफिशियंट्स पे क्या कर रहे हो मॉड्यूलो 5 अप्लाई कर रहे हो, तो 21 मोड 5 इज 1 तो ये एक्स क्यूब हुआ, माइनस 3 मोड 5 इज 2 तो ये 2x स्क्वायर हुआ, 2 मोड 5 इज 2 तो ये 2x हुआ, 8 मोड 5 इज 3 तो ये 3 हुआ। एफ बार एक्स एंड एफ एक्स की डिग्री क्या आ रही है, सेम आ रही है जो कि 3 है। एफ बार एक्स रेड्यूसिबल या ई रेड्यूसिबल, ये चीज आपको चेक करनी है। जेड 5 में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4। एफ बार 0 देखा जो कि 3 आ रहा है, इट मीन्स दैट 0 इज नॉट द 0 ऑफ एफ बार। सिमिलरली एफ बार 1 आपने देखा तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 2 इज 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 3 इज 8, 8 मोड 5 इज 3, तो 1 भी क्या है 0 नहीं है एफ के। एफ बार 2 देखा तो 2 × 2 क्यूब इज 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 3 इज 23, 23 मोड 5 इज 3, तो 1 भी क्या है 2 भी जो है वो 0 नहीं है एफ के। देन एफ बार 3 देख रहे हैं, 3 क्यूब इज 27, 27 मोड 5 इज 2, तो यहाँ से 2 आया, 3 × 3 इज 9, 9 × 2 इज 18, 18 मोड 5 इज 3, तो यहाँ से भी आपके पास यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया, 5 मोड 5 इज 0, तो यहाँ से 0 आ रहा है। देन 2 × 3 इज 6, 6 + 3 इज 9, 9 मोड 5 इज 4, तो ये 4 आ रहा है, इट मीन्स दैट 3 0 नहीं है एफ थ्री। देन एफ बार 4 देखा तो 4 अगर देख रहे हैं तो 4 क्यूब इज 64, 64 मोड 5 इज 4, तो यहाँ से 4 आ रहा है। देन 5 × 5 इज 25, 25 × 2 इज 50, 50 मोड, सॉरी 4 कर रहे हैं ना, 4 × 4 इज 16, 16 × 2 इज 32, 32 मोड 5 इज 2, तो यहाँ से 2 आ रहा है। 4 × 2 इज 8, तो यहाँ से 3 आ रहा है, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 मोड 5 इज 2, तो यहाँ से पता चला कि 4 भी 0 नहीं है एफ जी। तो इस पॉलिनोमियल के पास, एफ बार के पास कोई भी 0 नहीं है इन जेड 5, इट मीन्स दैट थ्योरम 1 से हम क्या कहेंगे कि एफ बार क्या है, ई रेड्यूसिबल है ओवर जेड 5, ये पॉलिनोमियल ई रेड्यूसिबल आया ओवर जेड 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है एफ एक्स की डिग्री से, तो मोड पी इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट से आपके पास क्या आएगा, बाय मोड पी इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये पॉलिनोमियल एफ एक्स जो है वो क्या है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एफ एक्स जो आ रहा है वो आपके पास फाइनली क्या आ रहा है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू आ रहा है। बट एफ बार ये जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, रेड्यूसिबल था ओवर जेड टू, तो अगर एफ बार रेड्यूसिबल है ओवर जेड टू तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि एफ बार एफ भी क्या होगा, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, रेड्यूसिबल ओवर क्यू होगा, हो सकता है कि ये स्टिल इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। आप क्या कर रहे हो, अगर मान लिया कि ये इरेड्यूसिबल ओवर जेड टू आता तो आप बोल सकते थे कि ये पॉलिनोमियल भी एफ एक्स भी क्या है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है। बट अगर ये रेड्यूसिबल ओवर जेड पी आ रहा है तो वहां से आप ये नहीं बोल सकते कि एफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है। ओके, अगर ये रेड्यूसिबल ओवर जेड पी आ रहा है तो वहां से आप ये नहीं बोल सकते कि ये एफ एक्स जो है वो भी क्या होगा, रेड्यूसिबल ओवर क्यू होगा। अगर ये इरेड्यूसिबल आता तभी आप बोल पाते कि ये इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है। ओके, अब थ्योरम 4 क्या है, आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया। ओके, तो इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। थ्योरम क्या है, कि लेट्स से पॉलिनोमियल लिया जेड एक्स से, ए एन एक्स पार एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पार एन माइनस वन अप टू प्लस ए नॉट। अब मान लिया कि आपके पास एक प्राइम पी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी ए एन को डिवाइड नहीं कर रहा, बाकी सभी कोफिशियंट्स को क्या कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है।
एंड पी स्क्वेयर जो है वो क्या टर्नना चाहिए, ए नोट को डिवाइड नहीं टर्नना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल एफ एक्स ई रेड्यूसिबल ओवर क्यू होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स मैंने पॉलिनोमियल लिया एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स पार फोर, एक्स क्यूब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्स पार फाइव ले रहे हैं, एक्स पार फाइव प्लस नाइन एक्स पार फोर, एक्स क्यूब का कोफिशियंट कितना है जीरो, जीरो एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर, एक्स का कोफिशियंट कितना है जीरो, जीरो एक्स प्लस सिक्स, ये पॉलिनोमियल हमने लिया है एफ एक्स का। तो अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए थे उसमें हम क्या कर पा रहे थे, सिर्फ डिग्री टू पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री थ्री पॉलिनोमियल्स के बारे में देख पा रहे थे कि ये इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो रहा या नहीं हो रहा, रेड्यूसिबल ओवर क्यू हो रहा या नहीं हो रहा। बट यहाँ पे हम अगर पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री से बड़ी है स्टिल हम क्या कर पा रहे हैं, वर्क कर पा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल है एक्स पार फाइव प्लस नाइन एक्स पार फोर प्लस जीरो एक्स क्यू प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर प्लस जीरो एक्स प्लस सिक्स। अब लेट से एक प्राइम लेते हैं P, कौन सा प्राइम हम ले रहे हैं, थ्री। थ्री जो है वो क्या टर्न है, एक्स पार फाइव जो हाईएस्ट कोफिशियंट है एंड हाईएस्ट डिग्री का कोफिशियंट है उसको डिवाइड नहीं कर रहा, थ्री जो है वो वन को डिवाइड नहीं कर रहा, बाकी सब थ्री जो है वो नाइन को भी डिवाइड कर रहे हैं, थ्री जीरो को भी डिवाइड कर रहे हैं, थ्री ट्वेल्व को भी डिवाइड कर रहे हैं, थ्री जीरो को भी डिवाइड कर रहे हैं, थ्री सिक्स को भी डिवाइड कर रहे हैं। एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, थ्री का स्क्वेयर कॉन्स्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो थ्री का स्क्वेयर नाइन, नाइन कॉन्स्टेंट टर्म क्या है सिक्स, सिक्स को डिवाइड नहीं करना। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो क्या है, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट से एफ एक्स फील्ड लिया, एक नॉन जीरो एलिमेंट हम ले रहे हैं एफ का, इट मीन्स दैट एफ फील्ड है तो हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, ए इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ एफ। देन बोला गया है कि अगर आपने एक पॉलिनोमियल लिया ए एफ एक्स फ्रॉम एफ एक्स, ये पॉलिनोमियल ले रहे हैं एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स का, ए एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है एफ एक्स का, इन दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट, ये अगर इरेड्यूसिबल ओवर एफ है तो एफ एक्स भी क्या हो रहा, इरेड्यूसिबल ओवर एफ हो रहा। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर सकते हैं कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स का, ओके, एफ एक फील्ड है, ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है एफ का, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल रिंग एफ एक्स से। तो बोला गया है कि अगर ए एफ एक्स इरेड्यूसिबल ओवर एफ है तो एफ एक्स भी इरेड्यूसिबल ओवर एफ है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव इज एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ। तो इरेड्यूसिबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी बात कहाँ पे होती है, नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल पे होती है। तो इट मीन्स दैट सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये क्या नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है। गिवन क्या है कि ए एफ एक्स इरेड्यूसिबल है, अगर ये इरेड्यूसिबल है इट मीन्स दैट ये एक नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है। ओके, तो एफ एक्स अगर मान लिया कि जीरो पॉलिनोमियल होता, इफ एफ एक्स इज जीरो पॉलिनोमियल, तो यहाँ से क्या आ जाता, ए एफ एक्स को भी क्या होना पड़ता था, होना पड़ता जीरो पॉलिनोमियल होना पड़ता, जो कि कंट्राडिक्शन है क्योंकि ये इरेड्यूसिबल है। इट मीन्स दैट यहाँ से ये क्लियर है कि ए एफ एक्स जो है वो क्या है, एक नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है। और क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जब भी आप इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ले रहे हो तो उनमें से एक क्या है, यूनिट पॉलिनोमियल है, विच इज अ कंट्राडिक्शन। अब आपको दिखाना है कि ये नॉन यूनिट पॉलिनोमियल भी है। तो लेट से मान लेते हैं कि एफ एक्स एक यूनिट पॉलिनोमियल है, तो इट मीन्स दैट आपको क्या मिलेगा, एट जी एक्स मिलेगा एफ एक्स से, सच दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ एक्स। एफ की यूनिटी एलिमेंट हमने मान ली थी वन है, तो एफ एक्स का यूनिटी एलिमेंट क्या होगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल वन। ओके, हम यूज क्या कर सकते हैं कि ए एफ एक्स नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है। ओके, तो
ए क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इट मीन्स दैट आपको क्या मिलेगा, एक बी मिलेगा फ्रॉम एफ सच दैट ए डॉट बी इज वन, क्योंकि एक फील्ड में हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या करते हैं, लेट से आपने ए एफ एक्स किया और यहाँ पे आपने क्या किया ए इनवर्स एफ एक्स किया। हम क्या कर रहे हैं, इधर ए डॉट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए डॉट ए इनवर्स वन होता है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। हर एक पॉलिनोमियल रिंग कम्यूटेटिव होती है, तो इट मीन्स दैट आप इसको क्या कर सकते हो, एफ एक्स को ए के साथ जोड़ सकते हो, एफ जी एक्स को ए इनवर्स एक्स के साथ जोड़ सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, ए एफ एक्स के कोरोस्पॉन्डिंग एक अनदर पॉलिनोमियल मिल रहा है एफ एक्स का, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ एक्स। बट ए एफ एक्स क्या था, एक नॉन यूनिट पॉलिनोमियल था, दिस इज नॉन यूनिट पॉलिनोमियल, ये गिवन है, तो इट मीन्स दैट एफ एक्स यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने ये दिखाया कि एफ एक्स क्या है, एक नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है। अब आगे आपको किस पे काम करना है कि मान ली ये इरेड्यूसिबल दिखाना है कि ओवर एफ है, तो इट मीन्स दैट हमें दिखाना होगा कि जब भी मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख रही हूँ तो आपको प्रूफ करना होगा कि इनमें से एटलीस्ट एक क्या है, यूनिट पॉलिनोमियल है। ओके, तो लेट से एफ एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख रहे हैं, जी एक्स एंड एच एक्स। प्रूफ क्या करना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, इधर जी एक्स इज अ यूनिट पॉलिनोमियल और टू प्रूव इज इधर जी एक्स इज अ यूनिट पॉलिनोमियल और एच एक्स इज अ यूनिट पॉलिनोमियल, ये चीज हमें प्रूव करनी है। गिवन क्या है कि ए एफ एक्स इरेड्यूसिबल है, तो लेट से दोनों तरफ हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए एफ एक्स ए जी एक्स एच एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए जी एक्स को हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया और एच एक्स को हमने दूसरा पॉलिनोमियल मान लिया, और ये आपके पास स्टेटबल है ए एफ एक्स। ए एफ एक्स इरेड्यूसिबल है, इस इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को आपने कैसे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, तो इट मीन्स दैट क्या हो जाएगा कि या तो ए जी एक्स यूनिट पॉलिनोमियल होगा या फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि एच एक्स जो है वो यूनिट पॉलिनोमियल है। ओके, अब मान लिया इनमें से एक चीज आ रही है, क्योंकि आपको क्या पता है कि ए एफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है ओवर एफ। ओके, तो अगर एच एक्स यूनिट पॉलिनोमियल है तो यहां से तो आपका टर्म एकदम इजिली हो जा रहा है, क्योंकि ये चीज आपके पास आ पा रही है। अब अगर ए जी एक्स यूनिट पॉलिनोमियल है तो क्या आप यहाँ से ये दिखा सकते हो कि जी एक्स यूनिट पॉलिनोमियल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ए जी एक्स यूनिट पॉलिनोमियल है, इट मीन्स दैट आपको क्या मिल रहा है, एट जी वन एक्स मिल रहा है सच दैट ए जी एक्स इंटू जी वन एक्स इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ एक्स विच इज वन, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल वन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू ए जी वन एक्स इज वन, तो जी एच के कोरोस्पॉन्डिंग एट पॉलिनोमियल मिल रहा है ए जी वन एक्स जो टी टी के बराबर आ रहा है, वन के बराबर आ रहा है, इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हो जा रहा है कि जी एच इज अ यूनिट पॉलिनोमियल, तो इस केस में भी आपका टर्म हो गया। जब ये चीज आ रही है तो यहाँ से जी एच यूनिट पॉलिनोमियल आ रहा है, और जब एच एक्स यूनिट पॉलिनोमियल आ रहा है तो यहाँ से ये आपके पास डायरेक्टली यूनिट पॉलिनोमियल आ जा रहा है, तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो रही जो हमें प्रूफ करनी थी। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं अब कि एफ एक्स क्या होगा, इरेड्यूसिबल ओवर एफ होगा। आपने क्या यूज़ किया, सबसे पहले दिखाया कि ये नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है, फिर हमें दिखाना था कि जब भी आप इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख रहे हो तो उनमें से एट यूनिट पॉलिनोमियल आना चाहिए। यूज़ हमने किसका किया, जो गिवन था कि ए एफ एक्स इरेड्यूसिबल ओवर एफ है। ओके, तो आपने फील्ड का यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हमें फील्ड दिया था, इस चीज़ का यहाँ पे कहाँ यूज़ हुआ है, जब आपने ये प्रूफ किया कि एफ एक्स भी क्या है, एक नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है।
ओके अब इसी क्वेश्चन के जो नेक्स्ट टू पार्ट्स हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं. क्या है कि अगर एफ ओफ एक्स इरेड्यूसिबल ओवर एफ है तो ये इम्प्लाई करेगा एफ एक्स इरेड्यूसिबल ओवर एफ होगा. तो सिमिलर वे में आपको प्रोसीड करना है जैसे हमने वन में किया. थर्ड क्या है कि अगर एफ ओफ एक्स प्लस ए इरेड्यूसिबल ओवर एफ है तो एफ एक्स भी इरेड्यूसिबल ओवर एफ होने वाला है. तो यहाँ पे आपको देखना है प्रूफ करते वक्त कि फील्ड का आप कहाँ पे यूज कर रहे हो. ओके अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. पी एट प्राइम है, आपको शो करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है एक्स पार पी माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये आपको पता है कि क्या डिनोट करता है. सम ऑफ क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है वन है और कितने टर्म्स हम ले रहे हैं पी टर्म्स ले रहे हैं, कॉमन रेशियो क्या है एक्स है. तो ये क्या होगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर अप टू प्लस एक्स पार पी माइनस वन. तो अगर पी प्राइम है तो आपको ये शो करना है कि ये जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या आने वाला है, ई रेड्यूसिबल ओवर क्यू आने वाला है. फॉर एग्जांपल पी अगर मैंने सेवन लिया तो ये पॉलिनोमियल आएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स टू प्लस एक्स पार फोर प्लस एक्स पार फाइव. ये आपको शो करना है कि ये क्या होगा ई रेड्यूसिबल ओवर क्यू होगा. हम यूज क्या करेंगे, जो एक तो आइसेंस्टीन क्राइटेरिया का यूज करने वाले हैं और एक हम क्या करने वाले हैं जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है कि अगर एफ एट फील्ड होती है और फाई एफ एट अगर ई रेड्यूसिबल है ओवर एफ तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए भी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए अगर ई रेड्यूसिबल ओवर एफ है तो एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा ई रेड्यूसिबल ओवर एफ होगा. वेयर ए क्या है, एट नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड एफ का. तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट से ए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं वन ले रहे हैं. क्यू आपको ऑलरेडी पता है कि क्यू क्या है, एक फील्ड है और ये पॉलिनोमियल हम कहाँ से ले रहे हैं, क्यू एच का भी पॉलिनोमियल है और ये जेड एच से भी बिलोंग कर रहा है. तो हम क्या ले रहे हैं, एफ जो फील्ड ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं. एक एलिमेंट लिया ए विच इज वन. अब लेट से इस पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं, फाइव पी एक्स प्लस वन. ए लेट से वन लिया तो आपके पास क्या आया, एफ ऑफ एक्स प्लस वन देख रहे हैं हम क्या होगा, तो ये इसके बराबर होगा एक्स प्लस वन पावर पी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन. तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन पावर पी माइनस वन अपॉन एक्स. इस पे हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं. एक्स प्लस वाई पार एन क्या होते हैं, समीशन एन सी के एक्स पार एन माइनस के इंटू वाई पार के, वेयर के वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन. तो इसको मैं लिख सकती हूँ समीशन के फ्रॉम जीरो टू पी पी सी के एक्स पार के ओके अपॉन में माइनस वन आ रहा है और अपॉन में क्या आ रहा है एक्स आ रहा है. इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन रहा है, पी सी जीरो टेटो जीरो पुट किया, पी सी जीरो इज वन और यहाँ पे एक्स पार जीरो इज वन तो ये वन आ रहा है. देन पी सी वन एक्स पार वन आ रहा है, पी सी टू एक्स स्क्वायर आ रहा है अप टू पी सी के एक्स पार पी सी पी एक्स पार पी आ रहा है, माइनस वन आ रहा है अपॉन एक्स आ रहा है. तो अब यहाँ से क्या देख पा रहे हो, वन से वन कैंसिल हो जा रहे हैं. फिर बाकी आपके पास न्यूमरेटर में कोई भी क्या नहीं बच रहा, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं बच रहा, तो इट मीन्स दैट हम एक्स कॉमन ले सकते हैं. जब एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी सी वन हाइएस्ट कोफिशिएंट के जो हाइएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है उसको पहले लिखते हैं. तो ये क्या आ रहा है, एक्स पार पी माइनस वन हो रहा, देन एक्स पार पी माइनस क्योंकि एक्स क्या हो जा रहा है हम कैंसिल कर दे रहे हैं, देन एक्स पार पी माइनस टू का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, पी सी पी माइनस वन अप टू सो ऑन, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है पी सी वन. अब हम देखेंगे क्या है पॉलिनोमियल ई रेड्यूसिबल ओवर क्यू है. तो इससे पहले मैं एक रिजल्ट लिख रही हूँ, एक नोट लिख रहे हैं कि अगर मान लिया कि एन आपके पास सेट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि क्या है प्राइम है, इफ एन इज प्राइम और आर मैंने क्या लिया एट पॉजिटिव इंटीजर लिया जो कहाँ से वेरी कर रहा है वन टू अप टू एन माइनस वन. तो हमेशा क्या होने वाला है, पी एन जो होगा वो डिवाइड करेगा एन सी आर को, ये चीज़ मैंने लिखी है. तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ रहा है, हम आइसिस क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं. ओके
कौन सा प्राइम लेंगे? लेट्स से प्राइम हमने जो लिया है वहां पे एक प्राइम लेने की जरूरत होती है. प्राइम हमने क्या लिया? पी लिया. पी क्या कर रहा है? हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा. बाकी इस रिजल्ट से सभी पी जो है वो सभी कॉन्स्टेंट, सभी टर्म्स को क्या कर जाएगा? सभी कोफिशिएंट्स को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. ओके, देन पी स्क्वेयर जो है वो क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी आ रही है? पी आ रही है. तो पी स्क्वेयर जो है वो डेफिनेटली पी को डिवाइड नहीं करेगा. अगर एक पी आप प्राइम ले रहे हो तो पी स्क्वेयर हम देख सकते हैं कि पी को डिवाइड नहीं कर. तो इट मीन्स दैट हम क्या कर सकते हैं? बाय आइसेसन क्राइटेरिया एफ एक्स प्लस वन जो होगा वो क्या होगा? ई रेड्यूसिबल ओवर क्यू होगा. देन आप क्या कर सकते हो? प्रीवियस क्वेश्चन का यूज कर सकते हो. बाय प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ एक्स जो है वो भी क्या हो जाएगा? ई रेड्यूसिबल ओवर क्यू होगा. ओके, तो ये पॉलिनोमियल हमेशा आपको याद रखना है कि ये पॉलिनोमियल जो है वन प्लस एक्स स्क्वेयर अप टू प्लस एक्स पार पी माइनस वन क्या है? ई रेड्यूसिबल ओवर क्यू है, वेयर पी इज प्राइम. नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं. थ्योरम क्या है? लेट्स से एफ एट फील्ड थ्री. एफ एक्स हमने एक पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स से, तो बोला गया है आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स. दिस इज मैक्सिमल आइडियल इन एफ एक्स इफ एंड ओनली एफ एक्स इज ई रेड्यूसिबल ओवर एक्स. तो इस रिजल्ट की हम एक क्रोलरी अब देख सकते हैं. क्या हो रही क्रोलरी? कि लेट्स से सबसे पहले आप तो ये चीज़ अगर हम याद करें कि लेट्स से आर जब हमने एक प्रोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ली थी, तो आप और आई लेट्स से कोई आइडियल है आर का, तो आपने कहा था कि आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली आर बाय आई द क्वोशेंट रिंग फैक्टर रिंग इज फील्ड. ओके, लेट्स से अब क्या लेते हैं? एफ अगर हम एक फील्ड ले रहे हैं, क्रोलरी अब इसकी देख रहे हैं, एफ अगर एक फील्ड है तो इट मीन्स दैट यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा इस रिंग के बारे में, आर जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? यहाँ पे पॉलिनोमियल रिंग ले रहे हैं. तो एफ एक्स आपको दिख पा रहे हैं कि एफ एक्स क्या होने वाली है? प्रोमोटेटिव रिंग विद यूनिटी होने वाली है. आइडियल हम जो ले रहे हैं यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं? लेट्स से अब क्या लेते हैं? इस पॉलिनोमियल रिंग से पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स जो कि क्या है? ई रेड्यूसिबल है ओवर एफ. तो इस रिजल्ट से सबसे पहले इस थ्योरम से क्या आएगा कि आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स इज द मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफ एक्स. अब ये मैक्सिमल आइडियल है एफ एक्स का. अब आर लेट से मैंने यहाँ पे एफ एक्स ली जो कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है. आई एक आइडियल है जो कि कौन सा ले रहे हैं? आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स. ये एक मैक्सिमल आइडियल है एफ एक्स का. इट मीन्स दैट एफ एक्स बाय आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स क्या होगा? फील्ड होगा. तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि एफ एक्स बाय आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज फील्ड. तो इस रिजल्ट को हम बार बार यूज करने वाले हैं. यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से हम एक एग्जिस्टेंस बता सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ अ फील्ड ऑफ ऑर्डर पी पार एन. कि अगर पी कोई प्राइम है एंड कोई नेचुरल नंबर है तो हम क्या करेंगे? एक फील्ड कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा? पी पार एन होगा. उसमें एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? पी पार एन आ रहे हैं. तो इस क्रोलरी को प्रॉपरली अब लिखते हैं. प्रूफ हम कर चुके हैं क्रोलरी का, अब इसको लिख रहे हैं. लेट से एफ एट फील्डली एंड एफ एक्स हमने एक पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स से जो कि क्या है? ई रेड्यूसिबल है ओवर एफ. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि द फैक्टर रिंग एफ एक्स बाय आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स इज फील्ड. अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. एफ आपने आर लिया, फील्ड आर ले रहे हैं. एफ एक्स एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन. इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? टू है. और ये पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल का हम देख सकते हैं कोई भी रियल रूट नहीं है. तो एफ के पास कोई भी जीरो नहीं है आर में. एफ हैज नो
जीरो इन आर. इट मीन्स दैट बाय थ्योरम वन हम क्या क्या कह सकते हैं कि एफ जो है वो क्या है, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर आर. तो ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर आर. थ्योरम फाइव की अभी अभी क्रोलरी आपने देखी थी कि अगर एफ एक फील्ड है और हमने एक पॉलिनोमियल लिया जो कि इरिड्यूसिबल ओवर एफ है, तो इट मीन्स दैट एफ एक्स जो ये रिंग है ओवर द आइडियल जनरेटेड बाय एफ एक्स, ये क्या बनेगी, एक फील्ड बनेगी. तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ रही, फील्ड आ रही. एफ एक्स यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे, आर एक्स. तो आर एक्स एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो ये आपके पास क्या आ रही है, एक फील्ड आ रही है. अब लेट्स से हमें इस फील्ड को एनालाइज करना है कि इस फील्ड के एलिमेंट्स किस टाइप से दिख रहे हैं. ओके, तो ये फील्ड कैसी होगी, आर एक्स अपोन ये क्या है, एक फैक्टर रिंग है और फैक्टर रिंग के एलिमेंट्स कौन से होते हैं. अगर आप एक आई एक आइडियल ले रहे हो रिंग आर का, तो आर बाय आई जो ये रिंग बनती है इसमें क्या हो रहा है, ए प्लस आई सारे के सारे क्रोसेट्स आप ले रहे हो, ए प्लस आई वेयर ए से बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, जी एक्स प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, वेयर जी एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर एच से बिलोंग कर रहा है. ओके, कोई भी अगर आप पॉलिनोमियल लोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक स्पेक्टर रिंग का एलिमेंट आएगा. अब लेट्स से हम क्या करते हैं, जी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं जो हमारे पास पॉलिनोमियल पहले गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वन. ओके, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है और हमने जो फील्ड आर ली है वो एक फील्ड ली है, तो हम डिवीजन एल्गोरिदम का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट हम क्या कर रहे हैं, जी एक्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं. तो आपके पास देयर एग्जिस्ट यूनिट क्यू एक्स एंड आर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. और आर एक्स की डिग्री जो है वो क्या होगी, आर एक्स या तो जीरो पॉलिनोमियल होगा या फिर आर एक्स की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ आर एक्स वो क्या होने वाली है, टू से कम होने वाली है. तो इसकी डिग्री या तो जीरो होगी या फिर इसकी डिग्री क्या होगी, वन होगी. अब आपके पास जी एच के कोरोस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आ रहा था फैक्टर रिंग का, वो कौन सा एलिमेंट आ रहा था, जी एच प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये क्रोसेट आ रहा. हम क्या देख सकते हैं, ये जो क्रोसेट है वो किसके बराबर है, इस क्रोसेट के बराबर, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन. ऐसा क्यों है, क्योंकि दो क्रोसेट्स आपको पता है कि टब इक्वल होते हैं, ए प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस आई इफ एंड ओनली ए इनवर्स बी आई से बिलोंग करे. ऑपरेशन एडिशन है तो ए इनवर्स बी क्या डिनोट करते हैं, माइनस ए प्लस बी. तो माइनस ए प्लस बी आई से बिलोंग करना चाहिए. तो माइनस ए प्लस बी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस जी एक्स प्लस आर एक्स. माइनस जी एक्स प्लस आर एक्स क्या आने वाला है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू टू एक्स. और आपको पता है कि ये एलिमेंट इस आइडियल में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इस आइडियल में एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, इसी टाइप के आ रहे हैं, ए एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन टाइप के ही आ रहे हैं, वेयर ए एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर एक्स से बिलोंग कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये चीज देख सकते हैं, इट मीन्स दैट हम क्या कर पा रहे हैं, आर एक्स क्या है, इट ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो जीरो है या वन है. इट मीन्स दैट आर एक्स कुछ इस टाइप का दिखने वाला है, ए एक्स प्लस बी टाइप का दिखने वाला है, वेयर ए एंड बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं. तो हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर रिंग का जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, जी एक्स प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, उस एलिमेंट को हम कैसे रिड्यूस कर पा रहे हैं, एक ऐसे जी एक्स को एक ऐसे पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर पा रहे हैं जिसके डिग्री क्या है, टू से कम है. दैट इज वो किस टाइप का दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी टाइप का दिख रहा है. तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो फैक्टर रिंग आपके पास बन रही है, जो ये फील्ड आपके पास बन रही है, आर एक्स अपोन आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन,
इट इज टाइप टू द टेटल, ये एलिमेंट आपने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया जो कि इस टाइप का दिख रहा है, और आर एक्स यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन, वेयर ए एंड बी किस के एलिमेंट्स है, आर के एलिमेंट्स है। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हमें ये दिख पा रहा है कि अगर मैं क्या ले रही हूँ, जीरो प्लस ये एलिमेंट लिया किसका, फैक्टर इन का, और एक दूसरा एलिमेंट लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस दिस, तो क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस वन इस आइडियल में जा रहा है, इट मीन्स दैट ये दोनों कोसेट्स जो है वो सेम है, तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, एक्स स्क्वेयर प्लस वन को एज अ जीरो ट्रीट कर रहे हो। कोसेट्स की रिप्रेजेंटेशन के दौरान हम क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को एज अ जीरो ट्रीट कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वन दिखे वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जीरो इक्वल पुट कर सकते हैं, या फिर आप कहो कि एक्स स्क्वेयर को हम क्या कर सकते हैं, माइनस वन के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख सकती हूँ, व्हाइल रिप्रेजेंटेड एनी कोसेट यू कैन टेक एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिया, एक पॉलिनोमियल लिया, एक एलिमेंट लिया इस रिंग का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वन। आपको पता है कि हर एक एलिमेंट कैसा दिख रहा है, ए एक्स प्लस प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस दिस आइडियल इस टाइप से दिख रहा है, तो इसको भी आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे कि जहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वेयर दिख रहा है उसको हमें क्या कर देना है, माइनस वन लिख देना है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, तो एक्स आया और एक्स स्क्वेयर तो मैंने क्या किया, माइनस वन किया। हर एक जिसकी भी डिग्री अगर टू से बड़ी है, टू या टू से बड़ी है, उसको आपको वन डिग्री या जीरो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये एक्स पार एक्स इंटू माइनस वन बना, एक्स स्क्वेयर क्या है, माइनस वन है, देन प्लस टू, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन प्लस दिस आइडियल। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है यहाँ पे कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो फील्ड है वो क्या आने वाली है, एक इनफाइनाइट फील्ड आने वाली है। इसमें क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। हम कैसे करेंगे, आपको आइडिया क्या है कि ये दिखाना है कि अगर आप डिफरेंट ए बी ये जो पेयर उठा रहे हो वो डिफरेंट उठा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए और बी एक पेयर उठाया रियल स्टार, देन ए वन कोमा बी वन एक दूसरा पेयर उठाया, तो आपको दिखाना है कि दो डिफरेंट पेयर के लिए यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। कि ए कोमा, अगर मैंने एक पेयर लिया ए कोमा बी और एक दूसरा पेयर लिया ए वन कोमा बी वन, इट मीन्स दैट या तो ए ए वन के बराबर नहीं है या फिर बी बी वन के बराबर नहीं है। तो आपको दिखाना है कि ये दोनों एलिमेंट्स भी जो होंगे इनके कोरेस्पोंडिंग वो क्या आने वाले हैं, डिफरेंट ही आने वाले हैं, दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट, ए वन एक्स प्लस बी वन प्लस दिस एलिमेंट डिफरेंट आने वाले हैं। इट मीन्स दैट डिफरेंट ये कब आएंगे, जब क्या होगा, दो एलिमेंट्स डिफरेंट कब होंगे, जब ए इनवर्स बी क्या करे, आई से बिलोंग ना करे। तो आपको दिखाना है कि दिस माइनस दिस आई से बिलोंग नहीं कर रहा। फिर हम अगर ये चीज़ दिखा दें तो यहाँ से डायरेक्टली प्रूफ हो जा रहा है कि ये इनफाइनाइट फील्ड है, क्योंकि आर क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो डिफरेंट ए के लिए, डिफरेंट ए बी के लिए आपके पास डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट चॉइस है, इट मीन्स दैट इस फील्ड में भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स।